दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 15 लोगों के नाम सामने आए हैं। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन और कई लोगों ने तो पीएफआई के साथ मिलकर सीएए के विरोध में इन दंगों को भड़काया। इस चार्जशीट में और भी कई गंभीर साजिशों का खुलासा हुआ है। दिल्ली दंगों को किस तरह से और किन किन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया, इसका खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में दिल्ली दंगों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में अब तक 15 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम शामिल नहीं है, लेकिन पूरक चार्जशीट में उनका नाम होगा। जहां अब ये बात सामने आई थी कि सीएए के विरोध में इन दंगों को भड़काने की साजिश रची गई थी, वहीं अब चार्जशीट में चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। चार्जशीट में लिखा है कि अनुच्छेद 370 के हटने और राम मंदिर निर्माण में राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अल्पसंख्यकों को वर्तमान सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया। उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने की कोशिश की गई, ताकि उनका इस्तेमाल सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए किया जा सके। चार्जशीट में कहा गया कि उमर खालिद भीड़ जुटाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे लोगों में से एक था। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उमर खालिद के पास आप नेता ताहिर हुसैन और खालिद सैफी, जिस पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला दर्ज है, इनके नाम भी शामिल हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि दिल्ली की दंगों की साजिश की शुरुआत जनवरी में हुई थी। तब तीनों शाहीन बाग में बैठकर विरोध प्रदर्शन और बाद में जामिया के पीएफआई कार्यालय में मिले थे। अब चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शर्जील इमाम, उमर खालिद, दानिश, मोहम्मद परवेज अहमद खालिद, इशरत जहां, मीरान हैदर, ताहिर हुसैन, गुलशन, सफूरा जरगर, शफाउर रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, मोहम्मद इलियास। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दिल्ली दंगों में उमर खालिद की भूमिका का पहला प्रमाण उसके द्वारा दिए गए एक भाषण के बाद सामने आया था। ये भाषण 20 फरवरी को अमरावती में दिया गया था, जिसमें उसे साफ तौर पर ये कहते हुए सुना गया कि 24 फरवरी को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे, तो मुसलमानों को अमेरिकी राष्ट्रपति को ये दिखाना चाहिए कि भारत के लोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पहले से ही इस पूरी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी। एंटी सीएए प्रदर्शन करने का पैसा पीएफआई के साथ साथ विदेशों से भी आया था। कथित तौर पर उस राशि का उपयोग करके हथियार भी खरीदे गए थे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के फोन से 40 GB डेटा भी बरामद किया है, जो 11 लाख पेज के डेटा में शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाया कि दिल्ली दंगे एक पूर्व नियोजित साजिश थी। दरअसल साजिश रचने वालों ने मुसलमानों को न सिर्फ सीएए के खिलाफ भड़काया, बल्कि आर्टिकल 370 के हटने और राम जन्मभूमि मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताकर दो समुदायों के बीच जहर घोला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।